आज फ्राइडे है तो नॉर्मल नॉर्मल जाम होगा, वैसे अगर जाम ज़्यादा भी होगा तो यार ये क्या मजाक है क्या है, ये मजाक है मतलब मैंने यार ये तो मतलब हद है यार सच में यार ये क्यों होता है हर बारी, मतलब मैं बोलूं कि भाई अब आराम से जाएंगे आज और भाई यहाँ जाम मिल गया, हौस खास में जाम मिल रहा है मेरे को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे सारे के सारे? बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो भाई लोग सुबह उठा था, दूध लेकर आया, नहाने धोने गया, नहा धो के रेडी हो गया, अभी क्या मैंने दूध बनाया एंड दूध फट गया यार, देख रहे हो? कोई नहीं भाई, दूध तो फटा, दिमाग भी फटा। अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, स्कूटी में मिलता हूँ तुमसे। चलो यार भाई लोग, अब हम निकल रहे हैं अपना कॉलेज के लिए एंड बस बढ़िया ही है मौसम। आज फ्राइडे है तो नॉर्मल नॉर्मल जाम होगा, वैसे अगर जाम ज़्यादा भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अपन बिल्कुल परफेक्ट कहते हैं ना डॉट टाइम पे निकले एकदम, कि भाई अपन एकदम आराम से सॉर्टेडली पहुँच जाएंगे अनटिल अनलेस की मैसिव जाम हो जाए, मतलब समझ लो सारे गुड़गांव की कंपनी वालों ने सबको एक साथ बुला लिया हो तभी हो सकता है, नहीं तो फिर भाई यार ये क्या मजाक है क्या है, ये मजाक है मतलब मैंने यार ये तो मतलब हद है यार सच में यार ये क्यों होता है हर बारी, मतलब मैं बोलूं कि भाई अब आराम से जाएंगे आज और भाई यहाँ जाम मिल गया, हौस खास में जाम मिल रहा है मेरे को, दिमाग खराब है यार बताओ, हौस खास में सीरियसली इस टाइम, वो भी समझ रहे, ये वो टाइम है जिस टाइम भाई जाम नहीं मिलता कहीं पे भी। यार देख लो मैं यार मैं नहीं खेल रहा यार, मैं नहीं खेल रहा सही में, हद कर दिया यार देखो, मतलब हर दो मिनट में जाम मिल रहा है यार, मतलब मैंने क्या मुझे गलत बोल दिया क्या भाई मैंने कि भाई आज जाम नहीं मिलेगा आराम से पहुंचेंगे टाइम पे निकला हूँ, दिमाग खराब यार, हद है यार बिल्कुल ही हद है। पूर्वस्वः तत्सवितुर्वरे नियम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे 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 श्याम, बोलो जय श्री राम। चलो यार भाई लोग देखो, मैं अभी ना यहाँ पे आ रखा था अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके पास, तो क्या सीन है कि एक अभी सवाल उठ रहा है कि बड़ी जल्दी छोड़ दिए, गिवअप करते, गिवअप नहीं करा बड़ी जल्दी, बेसिकली अभी क्या सीन है ना, मैंने पहले मेरे दोस्त ने ना मेरे दिमाग में डाला कि यार ये चीज़ गलत है, इसमें ऐसी होनी चाहिए, मेरे ऐसी, उसी दोस्त के पास आया हूँ वैसे, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें उसने बताई, तो अब मैंने क्या करा कि यार ऐसा ना हो कि भाई मैं चार दिन बाद 75 हार्ट, मतलब चार दिन कह रहा हूँ, 30 दिन या 40 दिन या 10 दिन 20 दिन कितने भी दिन बाद मेरे को पता चले कि भाई अच्छा मैं तो जो चीज़ कर रहा हूँ वो है ही नहीं सही, तो मैंने कहा उसको करेंगे हम ढंग से। तो आज मैंने अपना एक्सरसाइज का पूरा शेड्यूल बना लिया है, डाइट के मेरे को आइटम्स मैंने लिख लिए जो जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्या क्या मेरे को खाना है, क्या क्या नहीं खा सकता वो मैंने डाल दिया है, अब डाइट वो भी मैं बना लूंगा आज ही, और बट मैं सोच रहा हूँ इसको ना मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज अपनी मंडे से करी हुई है, देखो मंडे टू सैटरडे तो मेरी जिम में होगी, संडे को मैं रनिंग करने जाऊंगा जंगल में या फिर ये अपने घर के पास जो पार्क है, और बाकी इवनिंग में अपने घर पे एक्सरसाइज। चैप्टर पहले मेरे को लगता था कि भाई एक दिन में बस बुक पढ़नी है, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, जब मैंने लेकिन गूगल पे सर्च करा थोड़ा रिसर्च करी तो मेरे को पता चला अच्छा उसको सिर्फ पढ़नी नहीं है, हर दिन के 10 पेज पढ़ने हैं, तो फिर मैंने कहा चलो भाई सेकंड ये भी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद और क्या था, हाँ पानी का, तो मैं पानी का तो रूल क्लियर ही था अपने को, 4-4.5 लीटर, और सेल्फी वो भी इजी हो तो वो भी सही क्लियर था। तो अपन ये साइज ये करके ना मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, और आज जैसे आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को मैं इस ना करने का एक और रीज़न है, संडे को मेरे दोस्त के साथ मेरे को जाना है एक और जगह, लाइक बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा उसका, तो वो देखना मज़ा आएगा। चलो यार भाई देखो, मैं ना घर आ गया था, घर आया और मैं बहुत ज़्यादा लेट आया, बीच में दोस्त के पास चला गया था, वो चीज़ें तुमने देखी थी, 75 डे हार्ड है भाई, हम नहीं कर पा रहे, बट ऐसा नहीं है कि हम करेंगे नहीं, सर मंडे से स्टार्ट कर देंगे और विदाउट एनी ब्रेक, पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरे मेंटेलिटी मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली प्रिपेयर्ड, हर चीज़ के साथ करेंगे। बट अभी मेरे को लग रही है भूख, तो देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया, मम्मी कह रही थी कुछ बढ़िया सा बनाया, जैसे कि मम्मी कह रही है कि मम्मी ने बनाए हैं पकौड़े, साथ में खीर, साथ में भिंडी की सब्जी और पूड़ी, आज तो खा ही सकते हैं ना, है ना। ओके, तो ये हमारी भिंडी की सब्जी, मैं लेट आया था इसलिए मम्मी ने फ्रिज में रख दी है ख़राब ना हो, और ये पूड़ी और ये सब रखा हुआ है, मैं सारे निकाल लेता हूँ। एंड चलो भाई खीर का भी देख लेते हैं, भाई खीर भी मस्त वाली बनाई है, मतलब हार्ड वाली खीर, अपने गांव की स्पेशल डिश, ये रही खीर, एंड ट्रस्ट मी इसका जो टेस्ट आता है ना भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो यार मैं फिर ये खा लेता हूँ मस्त मस्त वाले पकौड़े, और मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, आज भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, ये है कि आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल कुछ अलग मस्ती करते हुए, टिल देन बाय, स्वीट, लव यू, और हाँ खुशियाँ बांटते रहना, बाय। मैं तो इससे अच्छा फ्लाईओवर के नीचे से चला जाता है, अगर मेरे को यहाँ पे भी जाम ही देखना पड़े क्या फ़ायदा।
ओ भाई ये कौन सी गाड़ी देख ली, खतरनाक। चल भाई थोड़ा तेज चला ले। हैं क्या चाहता है ये, डॉज द बॉल खेल रहा है मेरे साथ।